हेलो गाइस, दिस इज़ इंजीनियर एनके राव फ्रॉम जीनियर स्टडी चैनल। तो आपका स्वागत है डोंट मग अप ट्राई टू बिल्ड अप रैशनल एंड लॉजिकल स्टडी। तो जी, आज का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB, जो आपको ये दिल्ली का आज है। तो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे और जो ये इसमें करंट अफेयर क्वेश्चंस है वो उसका रिविजन करेंगे। देखिए, पुराने जो भी आसपास में एग्जाम्स हो रहे हैं, ये दिल्ली आज स्पेशल दिल्ली का है। DSSB का जो पेपर हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर मेरा करंट अफेयर का आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने दिल्ली के बारे में क्या क्या स्टडी किया है। जब दिल्ली के बारे में हमने क्या क्या स्टडी किया है, बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन कहाँ हुआ था जी, तो दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। दिल्ली का CM कौन है जी, अरविंद केजरीवाल है। डिप्टी CM कौन है, तो मनीष सिसोदिया है जी। अगर बात की जाए चीफ जस्टिस कौन है जी, तो राजेंद्र मेनन है दिल्ली के। दिल्ली की कैपिटल कौन सी है, तो न्यू दिल्ली है। मुख्य सचिव कौन है जी, तो विजय कुमार मुख्य सचिव है। दिल्ली में बात किया जाए तो राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल उद्घाटन भी कहाँ किया गया, तो दिल्ली में ही किया गया है जी। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सम्मेलन कहाँ हुआ है जी, या 3 मोबाइल कांग्रेस भी कहाँ हुआ है, तो आपको दिल्ली में हुआ। तो हम दिल्ली के बारे में इतनी सब जानकारी रखते हैं। देखिए, दिल्ली के बारे में दिल्ली स्पेशल बोल रहे हैं इसलिए दिल्ली के बारे में थोड़ा सा रिविजन कर लिए। करंट अफेयर में बताना चाहूँगा, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक से करंट, मैंने जो बताया अभी, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक से करंट है जी, रिलेटेड टू दिल्ली है। तो दिल्ली के रिविजन भी करना नेसेसरी है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ मैं केवल एग्ज़ाम जो आ रहे हैं करंट अफेयर उसी का डिस्कस करूँगा। जो भी आपको रेलवे में भी है, रेलवे ग्रुप डी ALP और टेक्नीशियन में आए, मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहा हूँ। आज दिल्ली वाले मैंने उठा रखे हैं। दिल्ली की बात किया जाए तो लोकसभा के कितना सीट है जी, 7 सीट है। राज्यसभा के 3 सीट है, विधानसभा के 70 सीट हैं जी। दिल्ली का गठन कब हुआ था, तो AICR 1991 AD के, मतलब ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था जी, 1991 के थ्रू। अरविंद केजरीवाल वहाँ के कौन से हैं जी, CM है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है जी, तो अनिल बैजाल है। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। वहाँ पे जल प्रवासीकर सम्मेलन भी हुआ है जी। दिल्ली में कौन सा हुआ है, जल प्रवासीकर सम्मेलन हुआ, हौसला 2018 भी हुआ है जी। मुख्य सचिव कौन है, तो विजय कुमार देव है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी हुआ है और राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल स्थापना भी कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। राजेंद्र मेनन यहाँ चीफ जस्टिस ही हैं। और इंडियन एशियन इनोटेक समिट जो फिक्की द्वारा किया गया है, आपको ऑर्गेनाइज किया गया था जी। तो ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में इतने सारे जी आपको करेंट अफेयर जो दिल्ली से रिलेटेड है हमने इसका डिस्कस कर रखा है जी। चलिए, अब डिस्कस करेंगे हम लोग जो DSSB में क्वेश्चन करेंट अफेयर के पूछे गए हैं, उस सब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्या हो जाएगा जी, हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे जी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं किसके, DSSB का। तो DSSB का देखेंगे, तो इसमें आपको करंट अफेयर से जो पार्ट है हमने उसको डिस्कस करेंगे जी। बोला है हाल में ही समाप्त एशिया पैरा ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है, तो जकार्ता में हुआ है। एशिया गेम भी कहाँ हुआ जी, तो जकार्ता में हुआ है। और पैरा ओलंपिक गेम एशियन कहाँ हुआ है जी, तो जकार्ता में हुआ है। विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ हुआ है, तो ये आपको विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ हुआ है, जो रूस में हुआ है जी। बात की जाए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है जी, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है ये बताना है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आपको वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या किया जाता है जी, सूची जारी किया जाता है। इसमें अगर इंडिया की रैंक बात की जाए तो 115 रैंक है। अगर मैं बात कहूँ तो इंडिया के डिफरेंट इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट, जो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और देखिए जाकर और उस सबको याद कर लीजिए। कारोबार करने में यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक जारी किया गया है उसका इंडिया का रैंक कौन सा है जी, तो इंडिया का 77 रैंक है। जो आपको पहले 100 था, ये क्या हो गया, 77 हो गया है। चलिए जी, अनमेंद एक द्विवर्षीय वायु सेना स्तरीय अभ्यास हुआ है, द्वितीय संस्करण हुआ है, भारत और रूस के बीच होता है जी। बात की जाए तो भारत और रूस के बीच कौन सा इंद्र भी होता है। वज्र प्रहार आपको US के साथ होता है जी, और हैंड इन हैंड किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है जी। स्वास सफल और स्टार, ये जो है आपको हमारे जो पर्यावरण हितैषी वगैरह से रिलेटेड जो भी थे, ये पर्यावरण इन्वायरमेंटल से नुकसान न पहुंचाने वाले पटाखे बनाए गए थे जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हाल में ही भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPR कच्चे तेल में युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत में विभिन्न हिस्सों में शुरू की गई है। बताया गया है कि युद्धकाल के समय मान लीजिए बहुत सारा रिजर्व रखा जाता है जिससे क्या किया जाता है उस समय यूज़ किया जा सके, तो इसके लिए कौन कौन सा है जी? तो हमारे यहाँ देखा जाए तो आपके पास चांदी खोड़ा उड़ीसा में जो है हमारे पास एक रिजर्व है जी, कर्नाटक में रिजर्व है, विशाखापट्टनम पुणे में, तो कौन सा नहीं है जी? तो बात की जाए तो पुणे में नहीं है, विशाखापट्टनम कर्नाटक और चांदी खोल उड़ीसा में है जी। सी विजिलेंस जो ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए ये हमारे चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है कि अगर आप किसी के बारे में गलत देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं चुनाव आयोग द्वारा जी। दो चक्रवात भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर आए हैं जी, तो बात की जब पूर्वी और पश्चिमी तट पर आए हैं तो कौन है जी? तो तितली जो है आपको उड़ीसा में आई थी तो पूर्वी तट पर आया था। लुबान चक्रवात भारत में पश्चिमी तट पर आया था? नहीं जी, लुबान जो आने वाला था लेकिन क्या हुआ, वो सऊदी अरब की तरफ मुड़ गया, तो क्या हुआ जी, गल्फ कंट्री की तरफ मुड़ गया, तो आंसर केवल पहला होगा जी। हाल में ही भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना यानी KSY शुरू की गई है, यह डैश डैश के लिए एक योजना है। तो किसान संपदा योजना किसके लिए है जी? तो कृषि समुद्र प्रसंस्करण द्वारा, बात की जाए तो कृषि समुद्र प्रसंस्करण द्वारा किया गया है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक मिनट, तो ये आपको कृषि समुद्र प्रसंस्करण यानी कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया था जी? तो ये आपको किसान समुदाय योजना लागू किया गया था। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 11 अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री ने घोघा और दहेज के बीच गुजरात में रोरो फेरी का स्टार्ट किया था, कौन किया था जी? तो दहेज और घोघा के बीच किया गया था। तो ये क्या था, बात किया जाए तो ये दो स्थानों के बीच क्या था जी, रोरो फेरी में क्या किया था, जलीय अंतर्राष्ट्रीय जलीय सेवा था जी। रो पैक में जहाज केवल यात्री और वाहनों का परिवहन करता है परंतु कार्गो को नहीं, कार्गो के लिए ही किया गया था, तो उसमें जहाज भी करेगा कार्गो भी करेगा, तो ऑप्शन आपका दूसरा गलत हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेयर, ये आपको कहाँ हुआ था जी? तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेयर की बात की जाए तो आपको ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कहाँ हुआ था जी? तो लखनऊ में हुआ था, कौन सा हुआ था, लखनऊ में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। भारत के 15वें वित्त आयोग कौन है जी? तो भारत के 15वें वित्त आयोग NK सिंह है, कौन है जी? और अभी जो है 14वें कौन है जी? अभी 14वें वित्त आयोग के हैं YB रेड्डी हैं। 2018 का सियोल शांति पुरस्कार किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है, और चैंपियंस ऑफ अर्थ भी नरेंद्र मोदी को मिला है जी। बात की जाए तो भारत के चुनावी बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो केवल एक संसद के, देखिए जो चुनावी बॉन्ड होता है वो केवल हमारे राजनीतिक दल द्वारा ही नकदीकरण किया जा सकता है जी, वो भी योग्य राजनीतिक दल द्वारा किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा, कोई पार्टी नहीं, कोई भी संसद नहीं कर सकता किसी पार्टी का जी। कौन सा जैव आरक्षण यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षण क्षेत्र में विश्व जाल में भारत में 11वें जैव आरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? तो बात की जाए, देखिए सुंदरबन है, पंची जैव आरक्षण है, कंचनजंगा जैव आरक्षण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंचनजंगा जैव आरक्षण जी। जैन परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार सही है जी? तो ये तो आपको स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। महावीर के अपरिग्रहण में विशेष महत्व दिया गया जी, अपरिग्रहण को महत्व दिया गया है जी। हाल में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन नासिक में हुआ जी, दोनों ही सही है, ठीक है। मैं नहीं हम पोर्टल ऐप शुरू किया गया है, इस ऐप का मुख्य लक्ष्य क्या है जी? तो लैंगिक उत्पीड़न के लिए मुक्त विधि के लिए, देखिए सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है उसके सुविधा के लिए किया गया है। उसके बाद है IT समुदायों के सामाजिक कर्जों में समाज सेवाओं के लिए मंच पर लाने के लिए, तो ऑप्शन केवल बी हो जाएगा जी, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा इसका। लैंगिक के लिए नहीं किया गया, IT जो है उसके लिए किया गया है, उसको एक जगह लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह आए जी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश जो नीट आपको 2019 में हो रहा है जी, उसको उसका एग्ज़ाम डॉक्टर के लिए होता है, MBBS के लिए होता है, और एक कौन सी कराएगी? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA कराएगी जी। PM10 क्या है जी? तो PM10 आपको जो 10 और उससे भी छोटे जो लेवल के होते हैं माइक्रोन, उसके क्या है जी, आकार को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। किस शहर में राष्ट्रीय प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पीठ नहीं बनाई गई है? बात की जाए तो NGT का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो दिल्ली में है।
और इसका आपको चेन्नई में है, दिल्ली में है, भोपाल में है, तो बेंगलोर में नहीं है जी NDC, बेंगलोर में नहीं है आपको, भोपाल में है, दिल्ली में है, चेन्नई में, बेंगलोर में नहीं है। बात की जाए 2 वर्ष के लिए पूर्व दिल्ली सरकार, जो दिल्ली सरकार है उसके द्वारा क्या जी वायु प्रदूषण कम करने के लिए सम और विषम सड़क राशन योजना शुरू की गई थी। ये सबसे पहले अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो किसके द्वारा किया गया है जी, तो चाइना के द्वारा किया गया है, लेकिन दिल्ली इंडिया में बात की जाए तो पहली बार किसके द्वारा किया गया था तो दिल्ली में किया गया था, और ये 15 दिन के लिए लागू किया गया था। तो आपको पहला गलत हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। नहीं, दूसरा सप्ताह 1 सप्ताह के लिए नहीं, 2 सप्ताह के लिए किया गया था आराम में, उसको ट्रायल कितने के लिए किया, 2 सप्ताह के लिए किया गया था। बात की जाए तो दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जी, तो राजेंद्र मेनन है। हमने अभी रिविजन किया है। तो उच्च न्यायालय में हाल में ही क्षेत्र में भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगना क्या किया जाए, गैर कानूनी मामले से इनकार कर दिया गया। देखिए दिल्ली में जो है बहुत सारे स्लम्स एरिया हैं, इसलिए इसको भिक्षा मांगना क्या किया गया है जी, ये अपराध नहीं है जी, ये क्या है, लीगल है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनका गुजारा कैसे होगा, तो भीख मांग के ही होगा, इसलिए क्या है जी, ये दिल्ली सरकार की, दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट आया जी। हाल में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय दिल्ली में खुला है, इसका उद्घाटन किसने किया था जी, तो इसका उद्घाटन किसने किया था जी, तो राजनाथ सिंह ने किया था जी। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दें, अभी डिस्कस किए हैं लोग। अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व कितना है जी, तो 93-40 दिल्ली का कितना घनत्व है, 93-40 है जी। ये आपको ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम ही लड़के बना पाते हैं, तो 93-40 आंसर हो गया जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत में BS6 चरण ईंधन लागू किया, तो कौन सा किया है सबसे पहले जी, सबसे पहले शहर लागू करने वाला दिल्ली है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको सलाह किससे लिखना होता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सलाह लेना होता है जी। बात की जाए हुई दिल्ली में अर्ध मैराथन पुरुष श्रेणी में शीर्ष पे कौन रहा है जी, तो अंडमालाक बेवली रहा है, और लेजिम में कौन रही है, तो सेह गेम्स रही है। निम्नलिखित में कौन सा शहर केंद्रशासित प्रदेश हाल में ही जारी राष्ट्रीय जोखिम आपदा जोखिम युक्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो सबसे ज़्यादा जोखिम युक्त कौन है जी, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली है, और स्टेट की बात की जाए तो कौन है जी, महाराष्ट्र है। 52वां स्कॉच सम्मेलन हाल में ही हुआ है जी। 52वां स्कॉच सम्मेलन कहाँ हुआ है, देखिए स्कॉच जो सम्मेलन हुआ था ये आप देख सकते हैं, इसका मद्रास, अहमदाबाद, लुधियाना और दिल्ली, 52वां स्कॉच सम्मेलन, तो ये दिल्ली में हुआ था जी। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अगले दिन, तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए जी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपको कहाँ से, तो ग्रुप डी का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारा क्वेश्चन उसमें बाकी है अभी। जी सेट 19 है लॉन्च किया गया था, GSLV Mark III लॉन्च किया गया है जी, इंडिया के द्वारा किया गया है। सांची स्तूप जो है किस नोट के ऊपर है जी, तो ये 200 रुपये के जो नोट है उस पर सांची स्तूप बना है जी। कबड्डी वर्ल्ड चैंपियंस 2016 किसने जीता है जी, तो इंडिया ने जीता है। पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जी, तो पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जी, यानी उपराज्यपाल कौन है, तो किरण बेदी है। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है जी, तो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव आपको कहाँ हुआ है, तो गोवा में हुआ है जी, अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है। ICC लाइफ टाइम अवार्ड वुमेंस किसको मिला है, तो ICC लाइफ टाइम अवार्ड जो वुमेंस को मिला है किसको मिला है, शांतनु रग्गा स्वामी को मिला है, संता रगन स्वामी को मिला है। 2018 जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला है जी, तो हैरी केन को मिला है। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला है, हैरी केन को मिला है। गोल्डन एक और भी अवार्ड मिलता है, वो किसको मिला है, गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है मैड्रिक को, ठीक है जी। स्टील उत्पादन अमेरिका को, देखिए स्टील उत्पादन में अमेरिका ने किसको पछाड़कर भारत का स्थान, स्टील उत्पादन में अमेरिका को पछाड़ कर भारत कौन से स्थान पर आ गया है जी, तो तीसरे स्थान पर आ गया है। ये क्वेश्चन था कि अमेरिका को पछाड़ के कौन आया, तो भारत तीसरे स्थान पर आया है जी। तो स्टील उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर रैंक बताइएगा तो फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर जरूर बताइएगा जी। बात की जाए तो सैमसंग के CEO कौन है, तो किम योंग सुंग कौन है जी, सैमसंग के CEO है। नीति
आयोग के चेयरमैन कौन है, तो एक्स ऑफिसो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो क्या रहेगा जी, नीति आयोग के चेयरमैन रहेगा। ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी, तो ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। लंदन फिल्म अवार्ड 2018 का विनर कौन है जी, लंदन फिल्म अवार्ड 2018 का विनर कौन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ए बिलियन कलर स्टोरी, ए बिलियन कलर स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है आप जरूर बताइएगा जी कमेंट बॉक्स में। देखिए जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चाहे गूगल से आपको सर्च करना पड़े, कम से कम सर्च करके भी आप उसको लिखिए, जिससे ज़्यादा लिखिएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जी, आपको याद होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी रहेंगे जी। मैं बात करूँ तो मैंने इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखे हैं, आप जाए वहाँ से आप उस वीडियो को देखें जी। आजकल और से भी जो आपको एमसीक्यू चल रहा है, एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू वगैरह का जो वीडियो है मैं उसको टी सीरीज में इन्वॉल्व किया हूँ, जो T1, T2, T3 है या टेस्ट 1, टेस्ट 2 से होगा। और ये जो आपको है एस है जो इसमें क्या है जी, इस एस से चलता है, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एस से मैं कोडिंग से किया हूँ, S1, S2, S3 है, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं। और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपको ग्रुप डी सॉरी RRB ALP और टेक्नीशियन में आने वाला है उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जो पार्ट बी में आने वाला है, सेकंड स्टेज का पार्ट बी में आने वाला है, इलेक्ट्रिकल के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग, मैंने उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, जाकर आप वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं जी। बात की जाए रिहांड नदी परियोजना किस स्टेट के में है जी, तो रिहांड नदी परियोजना आपको रिहांड नदी पे है और ये यूपी में है जी। सबसे पुराना बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है जी, सबसे पुराना मैंने इंडिया का बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फर्स्ट लेडी बताना है जी, इंडिया फर्स्ट लेडी जो हाई कोर्ट के पहली चीफ जस्टिस बनी है कौन है जी, ताहिरा सफर है। कौन है? ताहिरा सफदर है लेडी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनी है जी लेडीज में, तो गीता मित्तल बनी है। बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया है, तो बाबर नामा आपको किस में लिखा गया, तुर्की में नहीं, जिसको भी नामा लिखा रहेगा वो तुर्की में ही लिखा जाता है जी। और बाबर नामा किसके लिखा गया था जी, तो रिटेन बाई बाबर, किसके द्वारा लिखा गया था जी, तो बाबर द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा किस लैंग्वेज में है जी, तो पर्शियन में है। संगीत किस वेद में संबंधित है, देखिए संगीत जो है किस में डिस्कस किया गया है, तो सामवेद में किया गया है। 2018 ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट का विनर कौन है, तो रोजर फेडरर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच होता है, US होता है, तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का विनर कौन है जी, रोजर फेडरर है। एक ग्रैंड स्लम्स हैं, 4 ग्रैंड स्लम्स होते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है जी, यानी मिनिस्टर कौन है, तो मेनका गांधी है जी। वुमेन एंड चाइल्ड मतलब महिला और स्वास्थ्य विकास मंत्रालय। खेलो इंडिया KISG कब स्टार्ट किया गया है जी, तो 31 जनवरी 2018 को किया गया है। फर्स्ट इसमें खेलो इंडिया में सबसे पहला स्थान कौन लाया है जी, तो हरियाणा लाया है। दूसरा कौन लाया है, तो महाराष्ट्र लाया है। एडोपे के CA कौन है जी, शांतनु नारायण है। हिंदी मीडियम के डायरेक्टर कौन है, तो साकेत चौधरी है। तो बस आज के लिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, और आपने बहुत कुछ सीखा है, अगर आपने सीखा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे रिकमेंड करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो चलिए थैंक यू, आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा और आपका सजेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप सजेशन दीजिए कि वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है, और आपका वो जो भी सजेशन होगा उसको इम्प्रूव किया जाएगा जी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर लाइफ।